नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ एक पेशेंट जुड़े हैं जो नेपाल से टेस्ट करा के लाए हैं और उनको उस रिपोर्ट में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आई है। जानेंगे उनसे क्या समस्या थी, कैसे निजात मिली है। क्या नाम है पेशेंट का? सर देवी। कौन है आपकी? हमारी माँ है। माँ है, कहाँ के निवासी हैं? हम ईस्ट चंपारण बिहार। ईस्ट चंपारण। जब आए थे शहर देवी को क्या क्या समस्याएं हो रही थी उस समय? उस समय उनको बेड पे पूरा लेट गई थी और खाना नहीं खा पाती थी, मतलब चम्मच से समझ उनको खिचड़ी जैसा खाना खिलाया जा रहा था, उल्टी दिन में दिन भर होता था, कुछ नहीं पच रहा था और चलने लायक भी नहीं थी। आज के डेट में वो चलती है और खाना तीन टाइम खा पा रही है सुबह से और घूर भी पा रही है। उस समय मतलब हम लोग समझ गए कि अब इनका लास्ट हो गया है। एलोपैथी से चेकअप कराए तो बोले कि डायलिसिस करना पड़ेगा, हमने डायलिसिस नहीं कराया। अभी तक रिपोर्ट जिस समय हम यहाँ पर आए थे आपके पास चेकअप कराने, उस समय 6.9 था, आज के डेट में उनका क्रिएटिनिन 4.4 है। कितना क्रिएटिनिन था दवाई थे? 6.9 था। कहाँ से जांच कराया था? वही हमारा नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज से जांच होता है। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज। बीरगंज नेपाल पड़ता है, ये बिहार नेपाल का बॉर्डर है। बॉर्डर। अच्छा, तो आपने इधर बीरगंज जाके टेस्ट कराया, ये कॉलेज है बड़ा नेपाल में, 6.9 आया था। 6.9 तो उधर बीरगंज में नेशनल मेडिकल कॉलेज में क्या बताया था उस समय? उन्होंने बोला कि आप डायलिसिस कराइए और मेडिसिन लिखे थे, मेडिसिन अभी भी दोनों चल रहा है, यहाँ का आयुर्वेदिक और मेडिसिन दोनों चल रहा है। और डायलिसिस आप देखिएगा, इनकी रिपोर्ट में क्रिएटिनिन जो है 12 फरवरी 2023 की रिपोर्ट है, 6.9 क्रिएटिनिन है, 6.9 आप देख सकते हैं। इसके अंदर यूरिया वो भी काफी बढ़ा हुआ है, इनका यूरिया जो है वो 177 यूरिया आ गया था, इनका काफी बढ़ गया था यूरिया भी। सोडियम 129 हो गया था, ये भी काफी कम हो गया था। सारे जो उनके पैरामीटर्स थे वो डिस्टर्ब हो गए थे। यूरिक एसिड 6.9 हो गया था, सारे पैरामीटर्स बढ़े हुए थे जब इन्होंने जांच कराई है। नेशनल मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, पढ़ाई होता है, बीरगंज नेपाल में है और ये नेशनल मेडिकल कॉलेज से इन्होंने जांच कराई है। सारे पैरामीटर्स डीरेंज्ड हैं, सारे पैरामीटर्स ऊपर नीचे हैं, क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है। उसके पश्चात इन्होंने फिर दोबारा जांच कराई है और इस बार कराई इन्होंने सेम नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज से, 4/6/2023 की ये रिपोर्ट है और उसमें आप देख सकते हैं क्रिएटिनिन जो है वो 4.4 हो गया, जो पहले कितना था? 6.9 7.5 तक हो गया था, आज 1 month पहले 7.6 था। हाँ, तो ये अभी काफी कम हो गया, तो 4 की रेंज में आ गया। यूरिया जो था वो 81 हो चुका है इनका, जो पहले 177 आ गया था। सोडियम इनका पहले कम था वो नॉर्मल हो गया, और जो इनका यूरिक एसिड था वो इनका वो भी नॉर्मल हो गया। ये दोनों रिपोर्ट्स का आप देख सकते हैं, मैं स्कैन करके भी लगा दूंगा, आप इन दोनों रिपोर्ट्स को आराम से स्टडी कीजिएगा। ये रिपोर्ट्स बीरगंज नेपाल की रिपोर्ट्स हैं। शहर देवी चलने में असमर्थ थी, 3 बार हफ्ते में डायलिसिस करा रही थी, डायलिसिस नहीं हुआ था बहुत ज्यादा, लेकिन चल नहीं पा रही थी, खाना पीना नहीं खा रहा। अब 3 बार चल पा रही है, आपने ऐसा बताया, अभी घूम फिर लेते हैं। हाँ, घूम फिर रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, पहले से काफी अच्छे चेंजेस आए हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो पेशेंट्स हैं अपना बिहार में, चंपारण में, नेपाल में, बीरगंज में, उन सबके लिए क्या संदेश है? संदेश है कि ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो थोड़ा स्लो काम कर रहा है। जो हम जैसे बहुत ज्यादा पेशेंट थे, 3 month हम बहुत ज्यादा पेशेंट थे यहाँ पर आए, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हो रहा था। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आया उस हिसाब से कहेंगे सबको कि एक बार जिसके भी घर में ऐसा पेशेंट हो चेकअप करा के कम से कम 6 month मेडिसिन खाकर उसके बाद में कोई निर्णय है। ये स्लो नहीं है, ये फास्ट है, क्योंकि डायलिसिस नहीं कराना पड़ा आपको, डायलिसिस से आप बच गए। डायलिसिस कराते तो सारी उम्र चलता आपका डायलिसिस, बिना डायलिसिस के आपका रिजल्ट आया है और वो रिजल्ट आया है जो आपका क्रिएटिनिन कम हो ही नहीं पाता आयुर्वेदिक में। लग के अनुशासन से शहर देवी ने सब चीजों को फॉलो किया और रिजल्ट उनको नजर आए बगैर डायलिसिस के, बगैर ट्रांसप्लांट के। नेशनल मेडिकल कॉलेज में बता दिया था डायलिसिस कराओ ट्रांसप्लांट कराओ, डायलिसिस कराओ ट्रांसप्लांट कराओ, बताया था डायलिसिस के लिए, बताया था डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ी है। हम खुद कराए नहीं, हमको बोले कि जब तक 10 क्रॉस नहीं करेगा क्रिएटिनिन तब तक हम डायलिसिस। अच्छा, आपने बोला ठीक, कराना भी नहीं पड़ेगा तो 4 आ गया।
तो इन्होंने लग के फॉलो किया और बहुत अच्छी चेंजेस विजिबल हुए इनको, चलने में असमर्थ थी, खाना पीना खिला रहे थे पहले, अब खा पी रही है अपना, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इन्होंने सब चीजें जिस तरीके से बताई थी उसी प्रकार से फॉलो करी। आज कर्मा आयुर्वेदा ने सिद्ध कर दिया कि एक और पेशेंट के थ्रू किडनी का GFR बढ़ाना संभव है। असंभव में से आ हटा दो और उसको संभव कर दो। आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी यही कहता है, अनुशासन की आवश्यकता है, नियम अनुसार सब चीजों को पालन करने की आवश्यकता है। अगर ठान लिया है तो कर लेंगे, लेकिन जिस प्रकार बताएं उस प्रकार फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आज एक और पेशेंट 6 देवी के थ्रू भी सिद्ध हो गया कि ये करना संभव है, रेटिना को कम करना संभव है। और एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में रिपोर्ट्स और वीडियोस उपलब्ध हैं जहां पे किडनी को अनेकों रूप से फायदा हुआ है, डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ी है, आप रेटिना भी कम। स्टॉप किडनी डायलिसिस।